चाचे हुनर की कोई कमी नहीं है। समाणा का एक बच्चा है तेंद्रपाल सिंह अंशपुरी, जिन्हें बचपन तो ही पेंटिंग चित्रकारी का शौक होया। उसके दादाजी सुरेंद्र सिंह पुरी, उन्होंने उसनु उत्साहित किया। आज उसकी बदौलत आज बच्चा 12वीं क्लास से हो गया है। लेकिन तुसी देख रहे हो इस चित्रकारी दे विच किस तरह की उन्होंने चित्रकारी की है। तुसी उस पासे देखो भी इस बच्चे ने बचपन तो जिहड़ी शुरुआत की, उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की चित्रकारी, शहीद भगत सिंह, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी और पंजाबी के प्रसिद्ध गायक गुरदास मान की जिहड़ी तस्वीर इसने पेंसिल नाल बनाई, वो सब दे मन नूं मोह लैंदी है। इस नौजवान नूं उत्साहित करने के लिए पंजाब सरकार नूं चाहिए है कि इसकी चित्रकारी दे विच और ज्यादा निखार आवे, वधिया पेंटिंग कर सके, पंजाब दे लिए वधिया चित्रकार साबित होवे। इसलिए पंजाब सरकार नूं इस बच्चे की मदद करन दी जरूरत है। जिंदरपाल सिंह पुरी जी, हाँ, ये छोटे होंदे तो ही बचपन तो ही शुरू तो करदे करदे हाथ साफ हो गया करी गए। कितने उम्र में करन लगे सी तुसी? 2-3 साल की उम्र तो शुरू हो गया सी। कई जद कोई चीज बनाते सीगे घर दे काफी वधिया उहदा रिएक्ट करदे सीगे, उहदी तारीफ करनी उहदे विच कमियां कढ़नियां, तां उह चीज। बाकी मेरे तो शौक भी सीगा शुरू तो, कीती हुई मेहनत दा ऐं लगदा फल मिल गया होवे। जे कोई जिहदी फोटो बनाई होवे जां जिहनूं आपां देण गए आ, जो खुश हुंदा तां अंदरों भी वधिया लगदा कि मेहनत कीती सफल हुई है। छोटे होंदे ज़्यादा गुरुआं पीरां दी बनांदा सी कई, वड्डे हो के जिवें पोलिटिकल लीडरस उन्हां सारिआं दीआं विच राइटर सुरजीत पात्र उन्हां नूं भी मिले होए, उन्हां दित्ती हुई है जी। केजरीवाल दी उन्हां दी बनाई है जी, ते चीफ मिनिस्टर भगवंत मान छोटे होंदे दित्ती सीगी जी। एजुकेशन मिनिस्टर विजेंद्र सिंगला नूं भी मिले होए जी, मौजूदा MLA नूं भी मिले सीगे, रजिंदर सिंह जी नूं भी मिले हुए सीगे। ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ +2 'ਚ ਹੋ ਗਈ। +2 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ, ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀ ਦੀ ਜੀ। ਫਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਫਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ DK ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਸਮਾਣਾ ਨਿਊਜ਼।